करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ। देश में वायनाड लोकसभा उपचुनाव की चर्चा है तो मध्य प्रदेश में दो विधानसभा पर उपचुनावों की चर्चाएं गर्म हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम सियासी तैयारियों के साथ जनता के बीच जा चुकी है और जनता का वोट अब ईवीएम मशीनों में कैद है। ऐसे में अलग अलग तरह की बेबाक राय निकल कर आ रही है। आज हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री रघु परमार जी। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज में। वायनाड से आप लौटे हैं और केरल की सियासी हवाओं को भी आपने देखा है, और वायनाड वो सीट है जहां से कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली प्रियंका गांधी का बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में है। रघु जी, कैसा लग रहा है आपको वायनाड से लौटने के बाद, क्या आकलन है? आपको लगता है कि वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जो कि सीट वैकेंट हुई थी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, वहां पर प्रियंका गांधी कोई जीत का बड़ा रिकॉर्ड कायम करने जा रही हैं? महेंद्र भाई, धन्यवाद बहुत बहुत जी। आपके स्टूडियो में आने का आज अवसर प्राप्त हुआ जी। आपने जहाँ तक वायनाड की बात की है जी, मैं समझता हूँ कि वायनाड में इस बार रिकॉर्ड बनेगा जीत का। प्रियंका गांधी की एक वहाँ पर आंधी सरी की चल रही है, और खास तौर से वहाँ पर यूथ और महिला वोटर जो हमने वहाँ पर अनुभव किया और देखा जी, महिलाएं प्रियंका गांधी से बहुत आकर्षित थीं, युवाएं प्रियंका गांधी से बहुत आकर्षित थे, क्योंकि वायनाड एक ऐसी जगह है कि जहाँ टूरिज्म की अपार संभावना है। बिल्कुल। और वहाँ का विकास बहुत कम हुआ है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि अगर किसी को इलाज कराना है तो कालीकट जाओ या मैसूर जाओ। तो चूँकि प्रियंका जी एक बहुत अच्छी नेता हैं, वो लोगों को बहुत विश्वास है प्रियंका गांधी पे कि ये यहाँ पर बहुत काम करेंगी, और वो वादा भी किया उन्होंने कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, और वहाँ पर एक और बहुत बड़ी समस्या है जंगली हाथियों की, वाइल्ड लाइफ की जी, जी। तो ये तीनों चीज़ के लिए वो काफ़ी वादा किया, और मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है कि पार्लियामेंट में जब वो पहुँचेंगी तो देश में एक उनकी अलग ही आवाज़ रहेगी और अलग ही पहचान रहेगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि आने वाले कल में संसद में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रियंका गांधी भी जीतने के बाद नजर आएंगे, ऐसा दावा आप कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, वहाँ यही बात चल रही है कि वहाँ पर एक नहीं दो सांसद रहेंगे, एक राहुल जी के रूप में भी रहेंगे और एक प्रियंका गांधी जी के रूप में भी वहाँ पर सांसद रहेंगी। तो दो शक्तियाँ जहाँ लग जाती हैं तो क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल। कितने दिनों का आपका दौरा रहा और किस तरह से आपको वहाँ पर मैं वहाँ पर हमारे जी वरिष्ठ नेता हैं सत्यनारायण पटेल जी जी, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, प्रियंका गांधी जी की टीम में भी हैं, उनके साथ में हम दोनों पहले नॉमिनेशन में 3-4 दिन रुक के आए थे, फिर अभी हम 8 दिन वहाँ रुक के आए हैं, और हमने जगह जगह जो मीटिंग ली है वहाँ पर फैमिलियर मीटिंग होती है, फैमिली मीटिंग कहते हैं इसको, हमारे यहाँ सरी का सिस्टम नहीं रहता है। ओके। फैमिली मीटिंग होती है, फैमिली में जाके बात करो आप, उनको समझाओ, तो उससे जो आउटपुट नज़र आ रहा था, जो दिख रहा था, वो प्रियंका गांधी ही एक दिख रही थी, क्योंकि वहाँ बात इस चीज़ की चल रही है कि जीत की बात नहीं है, बात इस चीज़ की है कि 6 लाख से जीतती है कि 7 लाख से जीतती है। तो आपका दावा क्या है, आप क्या दावा करेंगे? मेरा दावा है कि अबाउ 5 लाख प्रियंका गांधी जी वहाँ से चुनाव जीत के निकलेंगी। चलिए, बड़ी बात है, वायनाड से लौटे हैं लिहाजा बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी है और वो खुद चुनाव मैदान में है, उनके लिए पसीना बहाया है और लगातार मेहनत की है। ग्राउंड अर्थ रियलिटी क्या है ये जरूर हमें चुनाव परिणामों के बाद साफ होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रुझान के तौर पर प्रियंका गांधी का जो चुनावी कैंपेन था उसमें जो भीड़ नजर आई, नॉमिनेशन रैली के दौरान जो लोग सड़कों पर नजर आए, उससे कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो एक कहा जा सकता है कि 7वें आसमान पर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वायनाड से लौटते हैं हिंदुस्तान के दिल एमपी पर पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में भी रघु परमार जी दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, बुधनी और विजयपुर। आप मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, किस तरह से आपको लगता है कि इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए कमबैक का एक सुनहरा अवसर जो है सामने खड़ा है, और आपने जो जनता के सामने वादे और इरादे किए हैं उसका क्या परिणाम आपको फिलहाल नजर आ रहा है? बहन भैया, बुधनी चुनाव में तो हम 3 दिन रहके आए हैं जी, जी, जी। मैं और सत्यनारायण पटेल जी जी, और जो हमने वहाँ पर महसूस किया है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जी बहुत अच्छा उम्मीदवार है राजकुमार पटेल, वो वहाँ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और उनकी पकड़ क्षेत्र में बहुत अच्छी है जी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है भार्गव जी, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है
पर पार्टी के नाम पे अगर वो जीत जाए तो बात अलग है, अदरवाइज जब वो एक कोऑपरेटिव बैंक के एक मैनेजर थे, आज वो इतनी दौलत के मालिक हो गए, खरबपति हो गए, और कोऑपरेटिव बैंक में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे, उस समय उन पर गबन का आरोप भी लगा था और निष्कासित भी हुए थे। उसके बाद जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने जी। तो उनका पूरा कामकाज भार्गव जी भी देखते थे, और जब उन्हें पिछली बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे तो उसके बाद भी किसी क्षेत्र में किसी से नहीं मिले, वो बुजुर्ग आदमी भी हैं और चलने फिरने की भी नहीं बनती है, और दूसरी तरफ राजकुमार पटेल बहुत एक्टिव हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पर जहाँ तक चुनाव की हम बात करें जी, चुनाव में बूथने में भी हमने जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर घुसे, कैमरे तोड़ दिए, बाहर बूथ पे कब्जा कर लिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बाहर बैठी हैं, खुलेआम जनसंपर्क कर ली है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी आँख बंद करके बैठा हुआ है। ऐसा ही हमको विजयपुर में भी देखने को मिला। विजयपुर में अगर आप देखें जी, तो वी डी शर्मा जी भी बाहर के हैं, जीतू पटवारी जी भी बाहर के हैं, जीतू पटवारी जी को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया, और वी डी शर्मा जी खुले आम घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, और जब मीडिया उनसे पूछता है तो बोलते नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोगों को तो इस प्रदेश की जनता को तो दिख ही नहीं रहा है कि निष्पक्ष काम कर रहा है। तो सरासर चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं इसमें खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन और गुंडागिर्दी कि जीतू पटवारी जो है बॉर्डर में सीमा में नजर नहीं आया, जीतू पटवारी जी अगर देखेंगे तो उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया गया, वहाँ टेंट में बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, और वी डी शर्मा जी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, उसके काफी बिल्कुल ट्विटर पे ऑटो भी हमको देखने को मिल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सीमा के अंदर दिखाई दिए, कई सारे साक्ष्य भी वो रखने की बात रख रहे हैं। नहीं, साक्ष्य रखे ना, बताया ना कि ये साक्ष्य हैं, अगर एक भी साक्ष्य है, जीतू पटवारी जी ने बोला कि अगर एक भी साक्ष्य है तो बताइए, मैं दूसरे दिन इस्तीफा दे दूंगा। और जहाँ तक है कि इस चुनाव में विजयपुर में इतनी गुंडागिर्दी, डकैतों से गोलियां चलाई गई, आदिवासियों पे गोलियां चलाई गई, इस दादागिरी से चुनाव लड़ा गया है, और पूरा प्रशासन मौन है, वहाँ पुलिस खड़ी हुई है कुछ नहीं बोल रही है, वहाँ बूथ पे लूटामाटी मच रही है, कैमरे तोड़ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, तो निष्पक्ष चुनाव तो हुआ नहीं है, फिर भी जनता कांग्रेस के साथ में, और मैं समझता हूँ कि दोनों जगह परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे। लेकिन भाजपा तो इससे उलट दावा कर रही है, भाजपा का कहना है कि बुधनी हमारी सबसे सेफ सीट है और वहाँ पर रमाकांत भार्गव नहीं बल्कि कार्तिकेय सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान सहित पूरी पार्टी चुनाव मैदान में है। बुधनी में आपको बताना चाहूंगा कि बुधनी बहुत क्लोज चुनाव है और कोई ज्यादा मार्जिन भी नहीं रहेगा, रमाकांत जी एक सिर्फ मोहरे हैं, चुनाव तो उन्होंने लड़ा, पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बुधनी विधानसभा का विकास होना चाहिए था, हम वहाँ 4 दिन रह के आए हैं, 18 साल का मुख्यमंत्री का क्षेत्र तो ऐसा चमन होना चाहिए था, इतनी अच्छी सड़कें होना चाहिए थी, पर मुझे विकास के नाम पर, मैं माननीय शिवराज जी से माफ़ी चाहते हुए ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ कि आपने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में विजयपुर में भी ऐसे ही कुछ हालात आपको दिखाई दिए, क्योंकि वहाँ से आपकी की पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे रामनिवास रावत जो है अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हैं, कोई उम्मीदें आपको विजयपुर में भी दिखाई दे रही हैं? विजयपुर में बिल्कुल, जो पार्टी हमारी पार्टी में थे, पार्टी छोड़कर उधर गए, वहाँ पर मंत्री बने, और जैसा कि उनका जो डिप्टी सेक्रेटरी थे उन्हीं को वहाँ पे कलेक्टर बना दिया, कांग्रेस ने बहुत आपत्ति ली कि उनके विभाग का डिप्टी कलेक्टर उनके अंडर में काम कर रहा था, उसी को उन्होंने वहाँ पोस्टिंग करा दी एज ए कलेक्टर, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निष्पक्षता में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और अब देखते हैं कि जनता का क्या निर्णय, क्योंकि चुनाव हो चुका है और प्रतिशत भी पिछली बार से थोड़ा कम है, 2.5%, पर कांग्रेस वहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहरहाल ये तो दावे हैं, अब चुनाव नतीजों के साथ साफ होगा कि विजयपुर और बुधनी का बाहुबली कौन बनने वाला है। रघु भैया आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की एक जंबो टीम का ऐलान हुआ और इंतजार था कि जब पीसीसी चीफ यानी कि जीतू पटवारी की नई टीम का ऐलान होगा तो उसमें कौन से चेहरे शामिल होंगे, कई बड़े नेताओं को जो है इस बार इस टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन रघु परमार कामयाब रहे और आपका ओहदा और राजनीतिक कद भी बढ़ा और आपको प्रदेश महामंत्री का ये दायित्व पार्टी ने सौंपा है, किस तरह से जिम्मेदारी को देख रहे हैं और आने वाले कल के लिए आपकी रणनीति क्या होने वाली है? संगठन जो भी जवाबदारी मुझे देगा मैं उससे अच्छी तरह निर्वाह करूंगा, जो भी जिले का प्रभार माननीय अध्यक्ष जी हमको सौंपेंगे उस जिले में
संगठन को मजबूत करना, पार्टी को नीतियों को क्रियान्वयन करना, ये हमारा काम रहेगा और हम उसको बिल्कुल शिद्दत से हम उस काम को करेंगे। नई टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे चेहरे नाराज भी हो गए, बहुत सारे चेहरे बुझ भी गए। देखिए मैन भाई, जब भी कोई नई चीज़ बनती है और नए लोग आते हैं तो थोड़ा ऐसा बुरा लगता है, पर जीतू पटवारी जी की जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम बनी है, सिलेक्शन बहुत अच्छा है, सारे अच्छे लोगों को लिया गया है, काम करने वाले लोगों को लिया गया है और आने वाले टाइम में इसका आपको आउटपुट नज़र आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी कर्मभूमि है और विधानसभा नरसिंहगढ़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में नरसिंहगढ़ क्षेत्र में जो पसीना आपने बहाया, जनता के बीच आप पहुंचे, द्वार द्वार पहुंचे, घर घर पहुंचे, और रघु भैया के नाम की एक लहर भी जो है पूरे नरसिंहगढ़ में दिखाई देने लगी थी, लेकिन पार्टी ने आपके साथ नाइंसाफी कर दी, एन वक्त पर आपका टिकट काट दिया गया। क्या लगता है पार्टी ने ऐसी क्या मजबूरी थी कि वहां से आपको चेहरा ना बनाकर किसी अन्य नेता पर विश्वास जताया, और क्या आप भी अपनी कर्मभूमि नरसिंहगढ़ में लगातार वैसे ही सघन दौरे और सक्रियता के साथ मैदान में हैं? ये तो पार्टी का निर्णय होता है जी कि टिकट किसको दें, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन रहते हैं, कुछ सामाजिक भी रहते हैं कि कितने किस समाज के हो रहे हैं, कितने कुछ समाज के हो रहे हैं जी, जी। तो उसके कारण शायद मैं समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, पर इससे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पार्टी के सच्चे सेवक हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे। और जहाँ तक नरसिंहगढ़ क्षेत्र का सवाल है, वो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मैंने जन्म लिया है और मैं वहाँ पर पूरी सेवाएं पूर्व में भी देता आया हूँ, आगे भी देता रहूँगा। मतलब माना जाए कि 2028 में फिर रघु परमार जो है नरसिंहगढ़ क्षेत्र से एक चुनाव का चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी से। पार्टी मुझे अगर मौका देगी जी, जी। तो मैं निश्चित वहां से चुनाव लड़ूंगा। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि जन्मभूमि कर्मभूमि में परिवर्तित भी होगी और जनता की सेवा का मौका आपको पार्टी जनता की सेवा में शुरू से ही करता आया हूँ, इंदौर में भी करी है, वहाँ पे भी बहुत करी है, वो सब लोग संपर्क में है, यहाँ स्कूल कॉलेज की अस्पताल ऐसे लोग संपर्क में रहते हैं, वहाँ पे भी काफी काम हम करते हैं, जनसेवा का काम करते हैं, कोरोना में बहुत काम किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं, तो लोगों से जुड़ाव है और सब हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, सब आपस में बहुत मुझे प्यार भी देते हैं। चलिए बड़ी बात है, एक राजनेता के लिए यही बहुत बड़ा प्रतिसाद होता है कि जनता का जो जुड़ाव है या जो लगाव है वो अपने नेता यानी कि नेतृत्वकर्ता के साथ हो। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा है कि रघु परमार मध्य प्रदेश की राजनीति में ये नाम जब सामने आता है तो एक सीधा संबंध जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से जुड़ा जाता है। वर्तमान में आपके कैसे सियासी संबंध हैं, क्या वो सियासी रिश्ता आज भी कायम है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों गलियारे में ऐसी चर्चाएं थी कि शायद रघु भैया दिग्विजय सिंह से यानी कि राजा साहब से नाराज चल रहे हैं। नहीं नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है, दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, समय समय पर बात होती है, अभी भी हम सब साथ में थे, अभी उन्होंने आंदोलन किया नरसिंहगढ़ में जहाँ पंचायतों का अधिकार नहीं मिल रहा है इसके लिए उन्होंने चक्का जाम किया, खाद लोगों को नहीं मिल रहा है इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, सब आंदोलन में हम राजा साहब के साथ में है, और दिग्विजय सिंह जी के लोकसभा चुनाव में भी हमने खूब काम किया और मैंने पूरे क्षेत्र में नरसिंहगढ़ क्षेत्र में मेरा पोलिंग सबसे ज़्यादा वोटों से मैंने जीता के दिग्विजय सिंह जी को दिया है, मेरा पोलिंग 450 वोट से जीता है, और ऐतिहासिक अगर हम नॉन माइनॉरिटी पोलिंग को देखें तो एकमात्र ऐसा पोलिंग है जो तहसील का सबसे ज़्यादा वोटों से हमने जीता है, तो हम राजा साहब के साथ में और हमेशा रहेंगे। दिग्गी राजा का पूरा आशीर्वाद रघु परमार पर है, पूरा है और रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मतलब टिकट को लेकर कोई नाराजगी की जो बात है, बिल्कुल 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 नाराजगी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जब जब दिग्विजय सिंह जी का इंदौर दौरा होता है तो रघु भैया उनकी परछाई की तरह नजर आते हैं, या जयवर्धन सिंह जब भी इंदौर आते हैं तो उनके साथ भी जो है रघु परमार नजर आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हुआ है कि जब वो आए हैं तो हम लोग, और अभी जैसे आए थे तो हम वायनाड में थे जी, उसके पहले आए थे तो मैं क्षेत्र में था, उसके पहले आए थे तो मैं दिल्ली गया हुआ था, तो मेरी उपलब्धता यहाँ नहीं थी इसलिए मैं नज़र नहीं आया, नहीं तो अन्यथा वो हमारे वरिष्ठ हमारे नेता है और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और मिलता रहेगा।
चलिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रघु परमार, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव है। वायनाड में जरूर आपका जो है बेबाकी के साथ बड़ा बयान और बड़ा दावा नजर आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की दो उपचुनाव सीटों पर, विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी ये दोनों सीटों के उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। क्या आप दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों उपचुनाव में कमबैक करने जा रही है? मैं भैया देखिए, उपचुनाव जी सरकार लड़ती है जी, सरकार के अधिकारी लड़ते हैं, पर उसके बावजूद भी जी हम दो में से एक सीट तो मेरे को लगता है कि जीतेंगे ही जीतेंगे। पहली बात तो दोनों ही सीट जीतेंगे और दोनों सीटों में मैं आपको जैसे बताया कि बुधनी में देख के आया जी, बहुत कड़ा मुकाबला है। राजकुमार पटेल को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और भार्गव जी का एक नकारात्मक जो उनका 5 साल का संसदीय टर्म था वो शून्य था, तो जनता राजकुमार पटेल जी के पक्ष में है। पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिलता है ये तो हमको 23 तारीख को ही पता पड़ेगा जी, पर दोनों सीटों पर कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। चलिए, तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रघु परमार, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं। वायनाड से लेकर एमपी की सीटों तक पहुंचे हैं और आने वाले कल में ये भी दावा कर रहे हैं कि नरसिंहगढ़, जो कि उनकी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, वहां की जनता की सेवा के लिए निरंतर 24 घंटे सातों दिन संकल्पित होकर मैदान में डटे रहेंगे। रही बात दिग्विजय सिंह जी से सियासी संबंधों की, तो वो आज भी वैसे ही बरकरार हैं जैसे पारिवारिक संबंध पहले थे। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा के ये उपचुनाव क्या कमबैक की कहानी लेकर आते हैं या एक बार फिर चुनौतियों के बादल फिर कांग्रेस पार्टी पर मंडराते हैं। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद महेंद्र भाई, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।